नागपुर शहर के पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार ने कहा कि मनोज ठक्कर की मौत की जांच सीआईडी को सौंप दी गई है। न केवल एक पुलिस निरीक्षक और मामले में शामिल 3 स्टाफ सदस्यों को पुलिस नियंत्रण कक्ष में स्थानांतरित कर दिया गया है। नागपुर शहर के पाड़ी इलाके में बुधवार रात पुलिस द्वारा लगाए गए नाकेबंदी के दौरान मनोज ठक्कर का वाहन पुलिस की गाड़ी से टकरा गया, जिससे गुस्साई पुलिस ने मनोज को पीट पीट कर मार डाला। पुलिस आयुक्त ने जानकारी दी है कि मनोज ठक्कर की मौत की जांच सीआईडी को सौंप दी गई है, ताकि जांच को पारदर्शी बनाया जा सके और इस मामले में जिम्मेदार नागपुर पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की जा सके। जब डॉक्टरों ने मनोज की जांच की तो उसके शरीर पर कोई चोट नहीं मिली, लेकिन उन्होंने कहा कि यह पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही स्पष्ट होगा। नागरिकों का आरोप है कि पुलिस ने मनोज ठक्कर की पीट पीट कर हत्या कर दी। इस पर पुलिस कमिश्नर अमितेश कुमार ने सफाई दी है। शहर में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस हमेशा सड़कों पर रहती है। उन्होंने कहा कि कई परेशान करने वाली घटनाएं हैं, लेकिन पुलिस थर्ड डिग्री या हिरासत में हुई हिंसा का समर्थन नहीं करती है। पार्टी मध्ये जे घटना पर्व घडली त्यामध्ये पारदर्शक रीत्याने तपास व्हावी आणि नागपूर शहर पुलिस वर कोणत्याही प्रकारचे जे काही खरं असतील, जे कोणी अधिकारी कर्मचारी जबाबदार असतील त्यांच्यावर नक्कीच कारवाई व्हावी आणि पारदर्शकताच्या दृष्टिकोनातून आम्ही जे आग्रह सीआयडी क्राईमला केले होते की आपण हे तपास हाती घ्यावी, जेणेकरून पारदर्शकरित्याने आणि प्रोफेशनलरित्याने तपास होणे गरजेचे आहे। आता ज्यामध्ये सीआयडी क्राईमला ऑलरेडी काल तपास हस्तांतरण करण्यात आलेली आहे, यामध्ये तपासबद्दल जास्ती टिप्पणी करणे योग्य होणार नाही, परंतु फक्त जे प्राथमिक जानकारी जे डॉक्टर ज्यांनी सुरुवातीला भवानी हॉस्पिटल जे ट्रीट केले होते किंवा जे काही इन्क्वेस्ट वगैरे झाला यामध्ये काही जे मृतक इसमय त्यांना काही अशा मारहाणीमुळे मृत्यू झाली हे प्रथमदर्शनी वाटत नाही, परंतु ते पूर्ण गोष्टी पीएम रिपोर्ट आल्यानंतर आणि सीआयडी क्राईमकडून तपासानंतरच समजेल। सर, आम्ही जनतेला फक्त एवढेच आश्वासन देतो की पोलीस कधीही थर्ड डिग्री किंवा कस्टोडियल व्हायलेन्सला समर्थन करत नाही। काही लोकांनी जे अशा प्रकारचे कृत्य करत असतील त्यांचे नक्कीच त्यांचे विरुद्ध कडक कारवाई करण्यात येईल आणि वेळोवेळी अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना लोकांनी प्रेमाने हाताळा, कोणी उल्लंघन करत असतील तरी पण कायदेशीर कारवाई करावी, परंतु कोणत्याही परिस्थितीत त्यांना मारहाण होता कामा नये हीच आमची भूमिका आहे। कॅमेरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ अभिषेक पानसे की रिपोर्ट।